गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू आई एस पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आई एम सो सॉरी कि आप लोगों की साइंस की क्लास नहीं आ पा रही थी इतने टाइम से। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रही थी, बट आज से आप लोगों की साइंस कंटिन्यू दी जाएगी। लेकिन आपको भी कंटिन्यू वॉच करना है इसको और इससे कुछ न्यू सीखना है। आपको पता है कि आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, चैप्टर का नेम है किशोर अवस्था की ओर, और चैप्टर नंबर है हमारा 10। आपको पता है कि हमने लास्ट की वीडियो में 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। सो गाइस, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भी किशोरावस्था में ही चल रहे हैं। आखिर क्या होता है किशोरावस्था? अगर आपको बताया जाए, इस चैप्टर में आपको किशोरावस्था के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। मतलब जो भी आपके सजीव होते हैं, जिससे जीवन की जो भी अवधि होती है उसके दौरान आप बढ़ते रहते हैं, मतलब बचपन से आप थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, सारी अवस्थाओं के बारे में आप सभी ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी होगा। हमारे शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो किशोर अवस्था के दौरान होते हैं, डैट्स मीन तब हम किशोर अवस्था में होते हैं, तो उस टाइम में हमारी बॉडी में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया गया है। आखिर ये वर्ड किशोर अवस्था आखिर होता क्या है, आइए जानते हैं। आपको पता है कि मनुष्य के शरीर का जो विकास होता है वो शरीर मानसिक वृद्धियों का विकास, जैसे आपका अगर बोला जाए 11 से 18 और 19 वर्ष की अवधि जो होती है, जिसे हम लोग किशोरावस्था कह रहे हैं। अब किशोरावस्था से पहले का समय जो होता है उसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ से पहले आपको बताया। अब जो वयस्क होते हैं, जो भी बाल्यकाल होता है, उस समय क्या होता है कि जो किशोरावस्था होती है ना, उसके रूप में हम काफ़ी अच्छे से जानने लगते हैं। किशोर अवस्था वो समय है जिसमें व्यक्ति की वृद्धि होती है, मतलब उनका विकास कंटिन्यू होने लगता है, मानसिक वृद्धि होती है, साथ ही वो हमारी जो बॉडी है उसकी संरचना में भी बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो हमें कंटिन्यू दिखाई देने लगते हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसमें जो गर्ल्स होती हैं, जो बॉयज होते हैं, दोनों ही मतलब डरने लगते हैं, उनके मन में एक डर बैठ जाता है धीरे धीरे कि क्या अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्या ये काम हम लोग ठीक कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि चलिए कि कोई फॉर्म निकला, हमने उस फॉर्म को फिल किया, फिर आप थोड़ा किसी से डिस्कशन करना चाहेंगे, किसी से सजेशन लेना चाहेंगे कि क्या मैंने इस फॉर्म को फिल करके ठीक किया, क्या मेरे पैसे तो वेस्ट नहीं जाएंगे, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में इस टाइम में थोड़ा डर बैठने लगता है, थोड़ा डरने लगते हैं कि कौन सा काम आपके लिए सही है और कौन सा काम आपके लिए गलत होता है। आपको पता है कि किशोर अवस्था में बहुत सारे से परिवर्तन होते हैं। आपको पता है कि किशोर अवस्था में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं, अगर जाना चाहे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो बॉडी होती है, जो शारीरिक विकास होता है वो स्टार्ट हो जाता है। किशोरों की जो अवस्था में क्या होती है कि वृद्धि होती है, ऊतकों में वृद्धि होना, मांसपेशियों में वृद्धि होना, हड्डियों का विकास होना, मतलब ऊंचाई में भी काफ़ी वृद्धि होती है, और जो गले के स्वर होते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं वो भी चेंज होने लगते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि लड़कों में कर्कश रूप से एक तरीके से परिलक्षित होता है, और लड़कियों का जो गले का स्वर होता है वो काफ़ी पतला होता है। आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों की वॉइस होती है वो पतली होती है लड़कों की वॉइस से, और लड़कों की जो वॉइस होती है वो काफ़ी एकदम थोड़ी मोटी आवाज़ उनकी होती है अगर बोला जाए तो। ये वह अवस्था है जहाँ पर क्या आप ना तो बच्चे होते हैं कहलाएंगे और ना ही आप इसमें वयस्क कहलाएंगे। ये एक बीच की अवस्था होती है जिसे हम लोग किशोर अवस्था बोलते हैं। अचानक से हमारी बॉडी में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अब आपको बताया जाए कि किशोर अवस्था आखिर है क्या, आइए जानते हैं। आपको पता ही गाइस कि किशोर अवस्था वह समय वह अवधि होती है जो मनुष्य के जीवन की, जब मनुष्य उम्र में जैसे कि 18 से 19 वर्ष के बीच की होती है। इस अवस्था में शरीर के काफ़ी हद तक वृद्धि संभव होती है। अगर देखा जाए जैसे कि 80% इसका विकास कंप्लीट हो जाता है इसी अवस्था में। अब इस अवस्था को प्राप्त करते ही जनन अंगों में एक तरीके से परिपक्वता आने लगती है, और उसके आसपास आप देखेंगे लोगों को देखने का नज़रिया हमारा काफ़ी चेंज हो जाता है। इस अवस्था में आप काफ़ी एक तरीके से डीपली सोचने लगते हैं। आप इस अवस्था में क्या करते हैं, डीपली सोचने लगते हैं कि अगर ये काम हो रहा है, अगर मान लिया जाए कि कुछ भी एग्ज़ाम हो रहा है, फिर कोई भी काम ऐसा हो रहा है, तो ये डीपली हो क्यों रहा है,
कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो जब भी हम कुछ चीज़ नहीं सीखते हैं, नहीं सीखेंगे तो तब भी हम कुछ न्यू सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको डीपली जाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ कहाँ से आई, कब इसकी उत्पत्ति हुई, किसने करी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोग डीपली जाने की कोशिश करते हैं। ओके, और सही गलत लेने की जो क्षमता होती है वो भी आपके अंदर आने लगती है धीरे धीरे, वो इस अवस्था में आती है। अगर आपकी बात करी जाए कि यौवन आरंभ क्या होता है, तो अगर इसकी हम बात करेंगे, जैसे कि किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य में अनेक परिवर्तन आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, तो इसमें ये जो परिवर्तन आता है आप इसे यौवन आरंभ भी बोल सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए जो लड़के होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी जो जनन क्षमता का विकास क्या होता है, काफ़ी परिपक्वता के साथ होने लगता है, काफ़ी परिपक्वता के साथ वो समाप्त होता है। अब होने वाले परिवर्तन क्या है, क्या क्या होते हैं अगर देखा जाए इसके बारे में, तो लंबाई में वृद्धि होना। अब लंबाई में वृद्धि होना मतलब अगर आपको समझाया जाए कि इस पृथ्वी पर जितने भी सारे सजीव हैं वो लंबाई के रूप में अपना आकार चेंज करते रहते हैं, उम्र में वृद्धि करते हैं, जन्म के साथ साथ काफ़ी उनकी एज भी बढ़ती रहती है, कि पहले 1 साल के थे, 2 साल के हो, 3 साल के हो, तो इस तरीके से 4 ईयर 5 है, तो वो चेंज होता रहता है मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली। और पेड़ पौधे हो या फिर कोई भी प्राणी हो, उनकी एज बढ़ती ही जाती है। अगर बात करें हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में, लंबाई और वृद्धि के बारे में, तो आपने देखा होगा कि तब भी क्या होता है, जो भी हमारे क्लासमेट होते हैं, अगर क्लासमेट को हमने देखा था 5 ईयर पहले, अब आफ्टर 5 ईयर तो हम उसको देखते हैं, तो उसमें काफ़ी वृद्धि आपको नज़र आएगी, काफ़ी विकास नज़र आएगा। कैसे, कि उसकी हाइट में चेंजिंग आना और उसकी हैबिट में चेंजिंग आना, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं, लंबाई में वृद्धि होने लगती है, अचानक से लंबाई बढ़ जाती है, और यही समय है जब लंबाई काफ़ी हद तक वृद्धि होने लगती है। आप यहाँ पे चार्ट भी देखेंगे, देखिए ये आयु है, मतलब कि इसमें एज के अकॉर्डिंग बताया गया है, ये पूर्ण लंबाई का परसेंट है लड़का और लड़कियों के बारे में। आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि अगर 8 का हुआ तो कितने परसेंट तक वो बढ़ सकता है, और इस चार्ट की सहायता से ही आप काफ़ी कुछ यूनिक भी कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे, पहले आप इसको रीड कर लेना काफ़ी अच्छे से, और कैसे कर पाएंगे आइए मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। अगर पूर्ण लंबाई की अगर हमें गणना करनी है तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है, नहीं पता होगा, आइए मैं बताती हूँ इसके बारे में। तो आप क्या करेंगे, इसमें वर्तमान और लंबाई को लेंगे, ठीक है, वर्तमान और लंबाई हो गया, देन आप क्या लेंगे, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई कितनी है, उसके बाद से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब 100 करने के बाद में अगर आपको फॉर एग्जांपल बताया जाए कि एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, अब क्या हुआ कि वृद्धि काल की जो संभव एक तरीके से उसकी जो भी अनुमानित तो जो भी लंबाई होगी वो क्या होगी, तो आप इसको कैसे करेंगे कि कितना हुआ, आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि 120 हो गया आपका, 120 के बाद आपका 70 हुआ, तब तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 100, ठीक है। अब तब आपने क्या करा, इसे 100 से किया, उसके बाद से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 160। ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको ये भी समझना है यहाँ पे कि लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों की बॉडी ऐसी होती है वो टाइम जैसे काफ़ी ऐसे हार्मोन्स होते हैं उनकी बॉडी में जो काफ़ी उत्तेजित करते हैं लंबाई को बढ़ने के लिए। काफ़ी लड़कियों की आपने हाइट देखी होगी काफ़ी लंबी होती है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं देखा जाता है। अगर आपने मोस्टली देखा भी होगा कि लड़कों की हाइट ज़्यादा लंबी होती है लड़कियों से, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनके हार्मोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके जो वृद्धि के लिए काफ़ी उत्तेजित कर देते हैं, उनकी हाइट काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है, इसीलिए लड़कियों की जो हाइट होती है वो काफ़ी लड़कों से ज़्यादा भी होती है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कों की हाइट बड़ी होती है और लड़कियों की छोटी होती है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। परंतु अगर देखा जाए कि लगभग आपका 18 वर्ष की आयु तक ही दोनों की अधिकतम आयु बढ़ने लगती है, मतलब लंबाई उन्हीं की कब तक बढ़ती है, अप्रॉक्स 18 ईयर। होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब शरीर की आकृति में कैसे परिवर्तन होते हैं आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए।
आइए जानते हैं। आपको पता है कि जो भी यौवन अवस्था होती है उसे प्राप्त करने के बाद जो परिवर्तन दिखाई देते हैं हमें, जैसे शरीर की आकृति में परिवर्तन होता है, मतलब विशेषकर लड़कों में होता है, जैसे कि जो उनका सीना होता है ना वो काफ़ी चौड़ा होने लगता है, हाथ पैर होते हैं काफ़ी लंबे होने लगते हैं, जैसे किशोर अवस्था ख़त्म होने लगती है 17 से 18 की एज में आ जाते हैं। अब विभिन्न रूप से संतुलन होने लगता है, हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देने लगती है, और जो गले के जो भी स्वर हैं वो काफ़ी परिवर्तन होने लगते हैं, काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। जो लड़कियों की कूल होते हैं वो भी काफ़ी एक तरीके से चौड़े होने लगते हैं। अगर कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना लड़कियों का, वो काफ़ी चौड़ा होने लगता है। अगर आपको बताया जाए कि जो भी वृद्धि के कारण क्या होता है, लड़कों में शारीरिक पेशियाँ मतलब लड़कियों की अपेक्षा काफ़ी एक तरीके से सुस्पष्ट रहती हैं और काफ़ी गठी दिखाई देने लगती हैं। अतः किशोर अवस्था के दौरान क्या होता है, जो लड़के होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें होने वाले काफ़ी परिवर्तन ऐसे हैं जो काफ़ी अलग भी होते हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर में परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है। आज के लिए इतना ही। होप आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। और आपको डेली क्लास आने वाली है साइंस की, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो आपको डेली ही क्लास को अटेंड करना है। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग से ही, तब से मैंने आपको क्लास इन्हें स्टार्ट किया है, मैं आपसे यही बोलती हूँ कि आपको मन में कोई डाउट नहीं रखना है। और ये बात आपको याद ही रखनी है, मन में कोई डाउट रखना ही नहीं है, क्योंकि मन में डाउट रहेगा ना वो आपको परेशान करता रहेगा, तो आपको परेशान करेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बताओ, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ने भी वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सभी लोग अपनी केयर करें काफ़ी अच्छे से, एंड अपनी फैमिली की भी। थैंक यू।